जब तक कि कोई आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं बनता, सरकार मात्र मानक है। मानक का मतलब एक पैरामीटर तय करती है, एक स्टैंडर्ड तय करती है कि स्कूल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सांकेतिक रूप से जो काम किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और जिसको अमली जामा पहनाया जाता है वो सही मायने में जनता ही होती है। तो आपने इस स्कूल को इतना शैक्षिक रूप से या जो संरचनात्मक रूप से या भौतिक रूप से जो हमारे सामने है, जहाँ ग्रीनरी लगी हुई है, कलर किया हुआ है, और एक व्यवस्थित तरीके से और संजीदा तरीके से जो सजा के रखा है, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी आपके भामाशाहों ने, यहाँ के गणमान्य नागरिकों ने, सरपंच साहब ने या और किसी ने भी जो इसमें जो भागीदारी निभाई, उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। वैसे भी सायला दानदाताओं की नगरी है। अगर थोड़ा सा यहाँ चार पांच दानदाता ही आए थे मेरे सामने, फिर मैं उड़ान पे आता हूँ। अर्थ के बिना सभी व्यर्थ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मगर किसी भी व्यक्ति की अर्थवत्ता, अर्थवत्ता माने उसके पैसों से, किसी की अर्थवत्ता से उसकी ताकत को नहीं तोला जा सकता। अगर आप एक रुपये से करके 2000 के नोटों पर देखें तो कुल टाटा बिरला या डालमिया का फोटो नहीं, महात्मा गांधी का है। तो इससे यह तो तय है कि अर्थ से किसी की अर्थवत्ता तय नहीं होती। सिकंदर, सब कुछ सिकंदर ने जीता, यहाँ सब कुछ हासिल किया, प्रभाव ताकत जमाई, मगर आखिर सिकंदर को खाली हाथ जाना पड़ा। तो अर्थवत्ता तय नहीं होती, अर्थवत्ता से व्यक्ति का मानक या उसका स्टैंडर्ड तय नहीं होता। अगर तय होता तो फिर उनका नाम आता या कहीं भी उनकी छाप होती। दूसरी बात, अगर जैसा मैंने पढ़ा 1000 साल के अगर इतिहास को देखें, तो अगर कोई अगर आपको एक दो कोई दानदाता, मैं आपको इसमें बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं जो हमारे गुरुवंद है, उनको पूछूं कि मेरे को दो कोई सेठों के नाम बताओ जो 1000 साल के इतिहास में हुए, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही सोचने लग जाएंगे कि यार ऐसे कौन से सेठ हैं जो 2000 या 1000 सालों के इतिहास में हुए। किसी भी सेठ का नाम आप बताओगे तो वो इतिहास में उस सेठ का नाम दर्ज नहीं है, सिर्फ दो सेठों का नाम है। एक तो जिसके हमने अभी सम्मान कर रहे थे, जिसके नाम से भामाशाह, जिन्होंने अपने पूरी जो संपत्ति थी, 25,000 की फौज महाराणा प्रताप के साथ में थी, और 12 साल तक मुगलिया सल्तनत से लड़े, और अपनी पूरी संपत्ति को उन्होंने, भामाशाह ने उस 25,000 सैनिकों को पालने में दान कर ली। इसलिए आपको भी अभी हम कह रहे थे भामाशाह, एक्चुअली में भामाशाह 1575-76 में करीब एक जैन थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को दान कर दिया, जिसके नाम से आज भामाशाह कहलाते। एक इतिहास सेठ का। दूसरा सेठ का इतिहास है, महात्मा गांधी ने जब क्रांति करी, महात्मा गांधी ने जब लड़े, तो महात्मा गांधी को अपना पूरा धन देने वाले बिरला जी, जिन्होंने बेट्स बिलानी और बहुत सारे ऑडिटोरियम बनाए, ये दो ही इतिहास में सेठ हुए। दूसरे धन का व्यक्तिगत प्रदर्शन किया जा सकता है, कैसे करते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। तो जो जो हमने अभी, जिन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना यहाँ पे इस सहयोग दिया, किसी ने टेंट की व्यवस्था की, किसी ने भोजन की व्यवस्था की, किसी अन्य ने की, उनके लिए पुनः एक बार, क्योंकि मैं बोल इसलिए रहा हूं कि ये आगे भी भविष्य में आपको प्रेरणा मिलेगी। उनको, भामाशाह को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस टाइप के संक्षिप्त, क्योंकि ये विद्यालय आपका है। ये बच्चे, किसी में नाम सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय जी को उस समय दान की जरूरत थी, तो वो सब अपने यहाँ घूमे थे, राजस्थान में घूमे थे, और राजस्थान में फलोदी के ब्राह्मण जो थानवी गोत्र के थे, उन्होंने मतलब खाली चेक दिया कि तुम्हारे को जितना भी बनारस हिंदू BHU में जितना भी डोनेशन चाहिए उसमें वो भर देना, और उन्होंने जितना भरा होगा या जो भी दान दिया होगा, तो आज भी बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस वाराणसी में है, वहां पर फलोदी के लिए एक सीट है, हर फैकल्टी में एक सीट है, रिजर्व रखी जाती,
बात उस रिजर्व की नहीं है, बात उस धन की, उस दान की बात है। तो आपने जो इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही गरिमामय और इसको जो भी आपका सहयोग रहा तन मन धन से दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और वैसे भी धन की वैसे भी तीन गतियां होती है, एक धन का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, जैसे गाड़ी खरीदी, कुछ कपड़े पहन लिए, खा लिया, पी लिया, आईफोन ले लिया, ये धन का उपभोग है, घूम लिए फिर लिए। अब दूसरा धन का दान है, और तीसरी धन की गति नाश है। तो आप उपभोग नहीं कर पाए, घूम नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो दान करोगे, और दान और उपभोग दोनों नहीं किया तो उसकी गति नाश है। इसलिए आपने यह दान देकर के बहुत बहुत एक पुण्य और पुण्य कार्य किया, इसके लिए आपको पुनः एक बार साधुवाद। जैसा कि इन्होंने टाइटल उड़ान उड़ान नहीं उम्मीद, बच्चे बहुत छोटे हैं, भाषण का लेवल थोड़ा मैं उसको नीचे लाता हूँ, उनको मिला था। तो मैडम ने जो टाइटल रखा उड़ान, वो बहुत ही अच्छा चूज करके रखा। एक बार फिर टाइटल के लिए इनको, क्योंकि जब व्यक्ति की सोच बदलती है, जब व्यक्ति की विचारधारा बदलती है, तभी जाकर के कोई ना कोई सम्मान या कोई ना कोई, मैं कई बार अभी मैं सीबीओ साहब से पूछ रहा था, और ईमानदारी से कहूंगा 2 बजे हमारे चीफ सेक्रेटरी जी की वीसी थी, और 11 से करके 2, मैंने कहा सीबीओ साहब ने कहा उस स्कूल में जरूर चलेंगे। कुल हमारे यहाँ 105 प्राइमरी स्कूल है, 57 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 30 के करीब महात्मा गांधी